बाघों को हम बहुत तरीकों से पहचान सकते हैं, जैसे कि उसके स्ट्राइप से, पगमार्क के स्ट्रक्चर से, उसके बिहेवियर से, या फिर उसके चेहरे से, उसके आकार से, या फिर उसके एरिया से। पर किसी बाघ को किसी रिजर्व फॉरेस्ट में जब हम पहली बार देखते हैं तो फिर उसे पहचान पाना मुश्किल होता है। इसलिए जंगल सफारी के वक्त बाघों को पहचानने में हमारे जो साथी होते हैं वो होते हैं यहाँ के लोकल गाइड्स और जिप्सी ड्राइवर्स। बाघों के नाम भी उनके कैरेक्टर्स, टाइप, पैटर्न्स, आकार, उनके फादर या मदर के नाम या फिर उसके एरिया से रखे गए हैं। जैसे कि मछली टाइगर के स्ट्राइप से, पैटर्न से, जहां उसके लेफ्ट साइड पर फिश गिल का आकार है। चार्जर को उसके कैरेक्टर से, जो अक्सर जीप पे चार्ज करता था। भीम को उसके आकार से, छोटा मटका उसके फादर मटकासुर के नाम से, दड़ियल को उसके चेहरे से और झन्नी टाइग्रेस को उसके एरिया से। पर जंगल सफारी के वक्त उन पैटर्न्स को, उसके कैरेक्टर को तुरंत समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बाघों को पहचानने में सबसे आसान तरीका होता है उनका एरिया। बाघ अक्सर अपना एरिया छोड़ना पसंद नहीं करते और उनका एरिया भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए सफारी के वक्त जिस एरिया में जो बाघ दिखता है उसे पहचान पाना बड़ा आसान होता है। इसलिए बाघों की ब्लडलाइन को समझने से पहले ताड़ो बाघ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तारू नाम के जो ट्राइबल लोग हैं उनसे इस जंगल का नाम ताड़ोबा हुआ और यहाँ जो नदी है वो पेड़ों के बीच में से बहती है, इसलिए छांव की वजह से वहाँ अंधेरा होता है, तो नदी का नाम अंधारी रखा, इसलिए इसे ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। अधिकतम हर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। बीच वाले एरिया को कोर जोन बोलते हैं और बाहर वाले एरिया को बफर जोन। बफर जोन में वहाँ के रहने वाले लोगों को जाना अलाउड है क्योंकि वो लोग जंगल से मिलने वाली कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर है, और कोर जोन में किसी भी लोकल लोगों को अलाउड नहीं है। पूरे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टूरिज्म जोन और नॉन टूरिज्म जोन। जंगल का 20% हिस्सा टूरिस्ट के लिए ओपन है, तो 80% एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट के अधिकारियों को जाना अलाउड है। टूरिस्ट को बफर जोन या कोर जोन के टूरिज्म वाले क्षेत्र में जाने के लिए हर जगह गेट बनाए गए हैं, जहां ऑनलाइन टिकट्स या फिर करंट टिकट निकालकर टूरिस्ट जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। ताड़ोबा में बफर जोन में एंट्री करने के लिए नॉर्थ में अलीजंजा, नवेगांव, निमदेला ये तीन गेट्स हैं। ईस्ट में शिरखाड़ा, बेलारा, मदनापुर ये तीन गेट्स हैं। साउथ में असवलचूहा, दोनी, केसालघाट और मामला ये चार गेट्स हैं। और वेस्ट में जुनोना, अगरजरी और देवाड़ा ये तीन गेट्स हैं। उसी तरह से कोर जोन में एंटर करने के लिए नॉर्थ में नवेगांव और कोलारा ये दो गेट्स हैं। ईस्ट में पांगड़ी गेट है, साउथ में झरी गेट है और वेस्ट में मोहरली और कुतवंडा ये दो गेट्स हैं। हालांकि बाघों के लिए पूरा जंगल एक ही है, सरहदें सिर्फ इंसानों के लिए है। बाघों की एरिया के लिए होने वाली जंग कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसके पीछे एक मकसद है, ज्योग्राफिकल मकसद। ताड़ोबा के नॉर्थ में पांडरपौनी लेक 1, लेक 2, वाटरहोल 97, जामनी लेक, वसंत भंडारा और ताड़ोबा लेक ये मेन वाटर सोर्स है जहां बाघों के लिए पर्याप्त पानी और शिकार है। वहीं साउथ में तेलिया लेक है जहां बड़े ग्रासलैंड है जो टाइगर्स के लिए बेहतरीन एरिया है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे नॉर्थ प्राइम एरिया और इसे साउथ प्राइम एरिया कंसिडर करेंगे। ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट पे कई बाघों ने राज किया है, पर लोगों के दिल पर तीन बाघ आज भी राज करते हैं, वागडो, मटकासुर और माया। इन बाघों की बदौलत आज ताड़ोबा भारत का टाइगर कैपिटल बन चुका है। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प इतिहास को, द ब्लड लाइन ऑफ ताड़ोबास टाइगर। लीला और डब्ल्यू मेल का मेटिंग हुआ और फिर उन्हें माया हुई। नीरा नीरा बांडी वागिन सर, बांडी। कैटरीना उसकी ग्रैंड मदर थी। माया के माँ के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन था, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। कभी कभी सेम टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अलग अलग रीजन में लोग सेम बाघ को अलग अलग नाम से जानते हैं, तो फिलहाल हम रेफरेंस के लिए माया के माँ का नाम नीरा कंसिडर करते हैं और माया के फादर का नाम डब्ल्यू मेल या हिल टॉप मेल था। नीरा से पहले कैटरीना, जो कि माया की ग्रैंड मदर थी, वो ये पूरा एरिया पे राज करती थी। अभी ये माया का साम्राज्य है। माया जैसी वर्ल्ड फेमस टाइगर्स को देखने के लिए हम सुबह सुबह ताड़ोबा की उत्तर दिशा में बढ़ रहे थे।
रास्ते में हमें बाघ के पगमार्क देखे, शायद वो माया के थे। जामनी लेक के बाद उसकी टेरिटरी की शुरुआत होती है। और माया वहीं पे बॉर्न हुई थी, जैसे 2010 में बॉर्न हुई थी वो। चार सिबलिंग्स थे, मदर का डेथ हो गया था 2012 में। वो हमारे सामने थी, आज भी वही चाल, वही ग्रेस उसके चेहरे से झलक रहा था, बस उसको देखते ही रहे। तब माया के साथ उसका एक बच्चा दिखा, वो माया की बेटी थी, शायद ये उसकी बची हुई आखिरी संतान होगी। माया से आज भी उसका वो बड़ा साम्राज्य छीनने में किसी बाघ या बाघिन में दम नहीं था, पर इतनी डैशिंग फीमेल का नाम माया होना थोड़ा अजीब लग रहा था। माया का नाम माया रखने का रीजन ये है कि वो सभी लोगों की पसंद है, सभी ताडोबा उसके ऊपर निर्भर था और आज भी है। माया का नाम माया इसलिए रखा क्योंकि वो सभी को प्यारी है, इसलिए उसका नाम हम सब ने माया रखा। 2013 के करीब जब माया बड़ी हुई थी, तब उस टाइम ताड़ोबा के नॉर्थ प्राइम एरिया में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। उस टाइम तीन बड़े मेल अपने पिक एज में थे, गब्बर, टाइसन और सैटन। तीन साल इन ताकतवर बीस्ट में उस एरिया को पाने के लिए दमदार फाइटिंग चली। कभी कोई जीता तो कोई बैडली इंजर्ड हुआ, पर कोई मेल टाइगर उस एरिया में ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाया। और तब एंट्री हुई एक यंग डैशिंग टाइगर की, मटका सुर की। एक्चुअली कोलारा बफर एक एरिया है, उस कोलारा बफर में मटकासुर नाम की एक जगह है, वहाँ से आया हुआ वो मेल बाघ है। मटकासुर बफर जोन से आया हुआ मेल बाघ है। मटकासुर नाम का एक वाटरहोल है, ऐसा लोग बोलते हैं कि उस एरिया में जहाँ वो वाटरहोल है, उस वाटरहोल में उसका जन्म हुआ, इसलिए बाद में वो मटकासुर नाम से फेमस हुआ। तो मटकासुर टोटली अननोन टाइगर था, पार्क से बाहर से आया है कहीं से माइग्रेट करके, तो उसका ब्लड लाइन किसी को भी पता नहीं है। मेल टाइगर जनरली दूसरे मेल टाइगर के बच्चों को मार डालते हैं ताकि वो अपनी संतानों की जनरेशन आगे बढ़ा सके। माया को जो पुराने मेल टाइगर से बच्चे हुए थे उनकी जान अब खतरे में थी, क्योंकि माया के इलाके में अब मटकासुर घूम रहा था। इसलिए माया ने एक टेक्निक अपनाई, फेक मेटिंग की, जिससे वो नए मेल टाइगर्स को अपने बच्चों से दूर रख सके। अब माया 12 साल की है, वो अपने प्राइम एज खो चुकी है, पर फिर भी आज बलराम से हुए कब को वो मोगली से फेक मेटिंग से बचाने की कोशिश कर रही है। भले माया ताड़ोबा की प्राइम एरिया की रानी है, पर उस वजह से माया ने अपने कई बच्चे खोए हैं और ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मेल असू शकतो, जवळ आहे। हा आवाज रोर करत आहे टायगर, रोर करत आहे, जवळ आहे। वो बलराम था, माया का रिसेंट कब का फादर। यहाँ आने से कुछ दिन पहले उसकी रुद्रा नाम के टाइगर के साथ टेरिटोरियल फाइटिंग हुई थी, जिसमें दोनों को कुछ इंजरीज हुई थी। बलराम ताड़ोबा का पुराना टाइगर है और उसे भी नॉर प्राइम एरिया में कब्जा करना है। बेहद ताकतवर मेल है, पर लड़ाई से कतराता है। रुद्रा, मोगली और युवराज जैसे टाइगर की इस एरिया में डोमिनेंस की वजह से वो बेहद परेशान है, और उस कंडीशन में उसे माया से हुई अपनी बेटी को दूसरे बाघों से भी बचाना है। ताड़ोबा का नॉर्थ प्राइम एरिया हो या साउथ प्राइम एरिया, बाघों ने अपने कई बच्चे टेरिटोरियल फाइटिंग में हार जाने से खोए हैं, और इस वजह से माया की बेटी का भविष्य खतरे में है। बलराम अपना एरिया बचाने की कोशिश में था, वही माया अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में मोगली से फेक मेटिंग की टेक्निक अपना रही थी। हम उसी को देखने पांडर पावनी एरिया में पहुंचे। इसके पीछे ही अभी जस्ट अ वाटर बॉडी उधर रुद्रा भी था, तो एक ही रोड पे तीन टाइगर है, और उसके पहले युवराज भी था।
इतने सारे मेल टाइगर्स इतने कम एरिया में होकर भी माया में कुछ तो ऐसी बात थी जिससे वो अपना साम्राज्य आज तक संभाल कर रख पाई है। पांडरपोनी इज अ प्राइम प्लेस वेयर माया रूल्स, तो हर कोई मेल जो आता है वहाँ पे राज करना चाहता है, क्योंकि यू गेट शेल्टर, यू गेट फूड, गुड ग्रासलैंड, वाटर अराउंड। तो प्राइम एरियाज में हमेशा ट्राई करते हैं कि वो डोमिनेट करना चाहे। जैसे माया अभी ऑलमोस्ट ओल्ड हो ही चुकी है, उसका प्राइम खत्म होने को ही है, बट शी विल स्टिल दैट कॉन्फिडेंस। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट दैट काइंड ऑफ टाइगर हु इज मोर कॉन्फिडेंट। इट डजंट मैटर दैट हाउ बिग इज द टाइगर, बट दैट एग्रेशन, दैट कॉन्फिडेंस मैटर्स फॉर देम। जब मटकासुर अपने प्राइम पे था तब कई बार उसकी फाइटिंग हुई थी। गब्बर अभी भी एक्टिव था, बजरंग था, रुद्रा और ताला दोनों भाई भी थे। ये सभी फाइटिंग माया के साम्राज्य में हो रही थी। उन दिनों मटकासुर और छोटी तारा फीमेल का मेट हुआ और छोटी तारा ने दो कब्स को जन्म दिया जिन्हें लोग प्यार से छोटा मटका और ताराचंद बुलाने लगे। छोटी तारा बॉर्न हुई थी मोहरली में, उसकी मदर का नाम तारा था। तब वो चार बच्चे थे तारा को, छोटी तारा, इमली, ओखान एंड सर्किट। सर्किट का सब एडल्ट एज में ही डेथ हो चुका था। ओखान माइग्रेट होके ब्रह्मपुरी डिवीजन में चला गया। इमली का कोई पता नहीं है सेपरेट होने के बाद। और छोटी तारा ने तड़ोबा रेंज में आके एरिया कार करके रखा है, तो वो भी अभी ऑलमोस्ट 13.5-14 ईयर्स की हो चुकी है। तो मतलब उसका प्राइम चला गया है। उसने दोनों डॉटर्स को अपना रिसेंट जो प्रीवियस लीटर का डॉटर्स थे उसको एरिया दे दिया है। तो अभी तक मुझे जो ताड़ोबा के टाइगर्स की ब्लडलाइन समझी है उसे अच्छी तरह से जान लेते हैं। मटकासुर जो ताड़ोबा के बाहर से आया हुआ टाइगर था उसका मेटिंग माया और छोटी तारा के साथ हुआ। छोटी तारा और मटकासुर को 2016 में दो कब्ज हुए जिनका नाम छोटा मटका और तारचंद है। तारचंद की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में शॉक लगने से डेथ हुई। छोटी तारा के माँ का नाम तारा था और फादर का नाम येड़ा अन्ना था, जिन्हें छोटी तारा के साथ साथ तीन और कब्ज हुए, इमली, सर्किट और ओखान। मटकासुर प्राइम जोन से चले जाने के बाद छोटी तारा को रुद्रा नाम के बाघ से और दो फीमेल हुई जिनका नाम है बिजली और रोमा। रोमा को रिसेंटली शायद बलराम से दो कब्ज है और बलराम वही बाघ है जिसे हमने आज सुबह देखा था जो माया का करंट में मेट है, और माया को बलराम से एक बेटी भी है। बिजली को युवराज से दो कब्ज है। युवराज कोहानी नाम की फीमेल का बेटा है जो ताड़ोबा के अलग पार्ट से है, और युवराज मोगली नाम के बाघ का भाई भी है जो कोहानी का एक और लड़का है जिससे माया बलराम से हुए बच्चे को बचाने की कोशिश में है। छोटी तारा माया से कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी रखती है। जहां माया रूलिंग करना जानती है वही छोटी तारा बांटना जानती है। उसने जामनी लेक जैसे एरिया को अपनी बेटियों में बांट दिया। 14 साल की होने के कारण अभी वो लड़ाई नहीं चाहती। कभी कभी वो माया के एरिया में भी दिख जाती है। छोटी तारा ने ताड़ोबा को क्या दिया उसका जवाब है छोटा मटका। उसकी वो खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखने के लिए हम जामनी लेक पहुंचे, और हम इतने लकी थे कि उसके साथ साथ उसकी बेटी बिजली और युवराज एक ही जगह दिखे। ये नेचर का चक्र है। कल छोटी तारा थी, आज बिजली है, और कल बिजली के बच्चे यहाँ होंगे। आज हम ये सब देख रहे हैं, फिल्मा रहे हैं, इसलिए बाघों के नाम के साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। पर ताड़ोबा के जंगल आज से कई साल पुराने हैं। न जाने कितने बाघ यहाँ इस धरती पर अपना इतिहास लिख कर गए होंगे। ये सोचकर मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या कभी जो इतिहास हमें पता है उसमें इस ब्लड लाइन में इन ब्रीडिंग होने की बात है। पर स्टडी करने के बाद मुझे ताड़ोबा की हिस्ट्री में शायद इस बात का कोई जिक्र नहीं मिला, और ये बात यही दर्शाती है कि क्यों यहाँ के बाघ इतने पावरफुल है। मैंने तो आज तक कभी ताड़ोबा में बाघों में इनब्रीडिंग नहीं देखा। इसके पहले भी मैंने देखा था, शायद पिछले साल। रुद्रा और रोमा साइड में सोए थे। लोग बोल रहे थे कि देखो अभी इनका मेटिंग होगा, पर कुछ टाइम के बाद वो वही सोए थे, पर थोड़ी देर के बाद रुद्रा दूसरी जगह चला गया और रोमा भी साइड में निकल गई।
देखो क्या होता है, मोस्टली इनब्रीडिंग नहीं होता है जब तक पॉपुलेशन मेल फीमेल का दोनों तरफ से अच्छा है। लाइक रेशियो ऐसा हमेशा होता है कि लाइक 3 या 4 फीमेल एक एरिया में, तो वहाँ एक मेल होना चाहिए, तो रेशियो इज गुड ऑफ मेल, तो इनब्रीडिंग नहीं है। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले येड़ा अन्ना मोहरली जोन में अपना इलाका बना चुका था, पर उसको ये नहीं पता था कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर उसके पीछे है। और तब एंट्री होती है वागडोह या स्कारफेस की, द बिग डैडी ऑफ ताड़ोबा। येड़ा अन्ना के एरिया में माधुरी नाम की उसकी एक फीमेल थी। येड़ा अन्ना से माधुरी को 3 बच्चे भी थे, पर ताड़ोबा के जंगलों को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे स्कारफेस ने मार दिया और ताड़ोबा की हिस्ट्री चेंज हुई। स्कारफेस ने येड़ा अन्ना को उसके इलाके से खदेड़ दिया और माधुरी के साथ नया साम्राज्य बसाया। वागडो और माधुरी को 4 बच्चे हुए, वो सभी फीमेल थी। ताड़ोबा के जंगलों को अब 4 बेटियां मिली थी, सोनम, लारा, गीता और मोना। सोनम बड़ी होने के बाद उसने अपनी बहनों को उस एरिया से भगा दिया और सोनम की माँ माधुरी ने मोहरली जैसे प्राइम जोन सोनम के हवाले करके वो साउथ में ताड़ोबा के बफर जोन में चली गई। माधुरी चले जाने के बाद वागडो भी उसके साथ चला गया। उसने भी माधुरी के खातिर ताड़ोबा के प्राइम एरिया को छोड़ दिया। अब सोनम उस एरिया की रानी बन गई थी। और तब उस एरिया में एक ताकतवर बाघ आया, उसका नाम था बजरंग। कहा जाता है कि 2015-16 के दौरान बजरंग की 7 से 8 फीमेल होती थी। 3-4 साल तक बजरंग को टक्कर देने में किसी बाघ में दम नहीं था। बजरंग ने इस बात का फायदा उठाया और ताड़ोबा के जंगलों में अपना एरिया बढ़ाते गया। स्कारफेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसकी लड़ाई गौर के साथ हुई थी तब गौर का सीन उसके आँख पर लगा और उसके चेहरे पर निशान आया, इसलिए उसको स्कारफेस बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वागडो की वजह से ताड़ोबा में टाइगर की संख्या बढ़ी। इस जंगल को इतने बड़े मुकाम पर ले जाने के बाद 2022 में बूढ़े होने से वो ताड़ोबा को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों में बिताई और ठीक उसी तरह उसके रास्ते पर आज सोनम है। सोनम ने भी इस जंगल को बहुत कुछ दिया और माया की तरह अपनी पूरी जिंदगी साउथ प्राइम एरिया पे अपनी सल्तनत बरकरार रखी। हमें खबर मिली कि सोनम तेलिया लेक के करीब ग्रासलैंड पे आराम फरमा रही है। हम तुरंत वहां पहुंचे। वागडोह के साथ साथ बजरंग ने भी मोहरली एरिया पे कई सालों तक राज किया, पर अभी वो बूढ़ा बाघ यंग बाघों की वजह से अपना एरिया छोड़ने के लिए मजबूर है। बजरंग अभी फ्लोटर मेल है, सो ही वॉज फर्स्ट स्पॉटेड इन 2014 इन ताड़ोबा रेंज ओनली, बट दैट टाइम गब्बर डोमिनेंट मेल था, टाइसन था, नामदेव थे, तो देर वर 3 डिफरेंट मेल्स हुआ रूलिंग दैट टाइम ताड़ोबा रेंज, सो फॉर हिम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन। स्लोली स्लोली इन अ मंथ ही मूव टूवर्ड्स मोहरली वेर वागडो वॉज गेटिंग ओल्ड, तो वागडो जैसे बूढ़ा हो रहा था तो उसके लिए उसको फ़ायदा था। एंड वागडो वॉलेंटरीली जगह छोड़ दिया था, माधुरी जैसे शिफ्ट हो गए बफर में तो वागडो भी उसके पीछे बफर में शिफ्ट हो गया था, तो वो जगह खाली छूट गया था, तो वो बजरंग ने ऑक्यूपाई किया। बजरंग ने 2014 के एंड से लेके समझ लो 2019 तक रूल किया है उसने। छोटी तारा के बच्चे जो मटकासुर से थे वो जब बड़े होने लगे तो वो अपने फादर को चैलेंज देने की कोशिश करने लगे, पर अनफॉर्चुनेटली ताराचंद की इलेक्ट्रिक फेंसिंग में शॉक लगने से मृत्यु हुई। अब सिर्फ छोटा मटका ही बचा था, पर मटकासुर उसके सामने शक्तिशाली और एक्सपीरियंस था, इसलिए छोटा मटका को अपने फादर को हराना मुश्किल था। छोटा मटका को वहाँ से भगा दिया गया। यंग बोल्ड मेल अपनी एरिया की तलाश में अलीजंजा बफर जोन पहुँचा और तब वहाँ उसका सामना मोगली से हुआ। मोगली कुहानी नाम की फीमेल का बेटा था जो अपनी माँ का एरिया कोलसा जोन छोड़कर अलीजंजा बफर जोन आया था। वो ताकतवर तो था ही पर उसको तजुर्बा भी था।
फर्स्ट बैटल में छोटा मटका उसके सामने हार गया और वो बैडली इंजर्ड हुआ। गांव के गरीब रहने के कारण छोटा मटका कैटल किल करने लगा। जनरली जब बाघ 10 बार शिकार का ट्राई करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही बार कामयाबी मिलती है, पर छोटा मटका गाय बैल को मारने लगा। उसके शिकार के अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते गए। अब वो पुराना वाला टाइगर नहीं था। ताकतवर कॉन्फिडेंट उस बाघ ने जंगल की तरफ दहाड़ मारी और पूरा ताड़ोबा का जंगल कांप उठा। अब वो फिर से मोगली को टक्कर देने के लिए जंगल की तरफ निकला।